अब जल्दी बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे, आई थिंक 25 अप्रैल से खुल रहे हैं। अब नीचे कैसे आएगा, फंस गया यहीं पे, फंस गया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के 10:30 हो रहे हैं और अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट उखीमठ, वहाँ पर मेरा कुछ काम है। और आज मैं ऊपर गांव से नहीं जाऊँगा, आज मैं जाऊँगा नीचे नदी किनारे से पैदल। तो चलो भाई चलते हैं। अभी मैं अपने घर से नीचे आ गया हूँ और हमारे घर के नीचे सिर्फ 3 परिवार रहते हैं, एक तो यहाँ पर है और 2 ये यहाँ पर रहते हैं, 1 और 2। और इनके यहाँ पर देखो भाई, अभी सब लोग इधर उधर गए हुए हैं काम के लिए। और पहाड़ों में हर घर के सामने आपको एक कुत्ता तो देखने को मिलेगा ही। तो देखो भाई, अभी कोई भी नहीं है घर में और आसपास जो भी इन्होंने साग सब्जी लगाई है तो इनसे बंदर की रक्षा ये करता है। अब ये तो मुझे देखता रहता है तो इसलिए देखो कुछ भी नहीं कर रहा है, काट भी नहीं रहा है। लेकिन अगर कोई अनजान आएगा ना, अगर घर में जाने की कोशिश करेगा तो ये उस पर पक्का भौंकेगा। चलो बाय बाय। अब यहाँ से नीचे भी कुछ लोग रहते हैं नदी किनारे, तो वो सिर्फ टेम्प्ररी रहते हैं, मतलब वो 2-3 महीने के लिए रहते हैं। जैसे आजकल ऊपर पहाड़ों में बर्फ़ गिर जाती है तो वो इस टाइम पे ना नीचे नदी किनारे आ जाते हैं, क्योंकि नदी किनारे उनको वहाँ पर गर्म भी मिल जाता है और साथ में घास भी मिल जाती है। और जैसे ही नीचे नदी किनारे गर्म होना स्टार्ट होता है तो फिर ऊपर पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं वो, तो सिर्फ टेम्प्ररी 2 महीने के लिए रहते हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है और मैंने इसलिए ऋतिक को बोला है कि गांव से मेरी बाइक लेकर नीचे नदी किनारे लेकर आना, तो फिर वहीं से साथ में चलेंगे मार्केट। और नीचे पे देखो भाई, वहां पर मेरी बाइक आ भी गई है, तो चलो अब यहां से जाएंगे हम सीधे नदी किनारे आगे की तरफ। अब यहां पर मुझे लगभग 1/2 घंटा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ना यहां पर इंटरनेट की स्पीड अच्छी आती है और हवा देखो कितनी तेज़ चल रही है। यहां पर एकदम धार है तो 2 MB की स्पीड आती है भाई, मतलब 1/2 घंटे में वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो ये काम भी यहाँ पर हो जाएगा, अगर इतनी स्पीड अगर घर में आ जाए तो मज़ा ही आ जाए। चलो कोई नहीं, अब 1/2 घंटा यहाँ पर वेट करता हूँ, उसके बाद चलते हैं। तो अभी मेरी वीडियो भी अपलोड हो गई है और नीचे नदी किनारे अखी भी आया है। नीचे देखो नदी किनारे वाले घर यहाँ से दिखने शुरू हो गए हैं और उन घरों में देखो भाई पूरी सूखी घास है। ये देखो इन घरों में सूखी घास है, ये जो घास है ना ये सामने जो पहाड़ है इस वाले जंगल से लेकर आते हैं। अब जो ये घास से बनी हुई छत रहती है तो ये सिर्फ 1 साल ही चलती है, अगले साल इनको फिर से घास लानी होगी और फिर से उसमें छत बनानी होगी, मतलब ऊपर से जो मकान है ना उसको ढकना होगा ताकि बारिश हवा ये सब न घुसे। और ये इसलिए भी परमानेंट नहीं बनाते हैं क्योंकि इनको सिर्फ 2 महीने रहना होता है यहाँ पर। अब गर्मी स्टार्ट हो गई ना तो लगभग 15-20 दिनों के बाद यहाँ नदी किनारे जितने भी लोग रहते हैं अपने गाय बैलों के साथ, भेड़ बकरियों के साथ, वो सारे ऊपर पहाड़ों की तरफ चले जाएंगे, गांव से बहुत ऊपर, तो वहाँ पर रहेंगे अब वो 2-4 महीने के लिए। अभी अखी के घर पे हमने खाना भी खा लिया है, बाकी ऋतिक आज मेरी बाइक लेकर आया, वो भी इधर ऑफ रोड में भाई नदी किनारे। कैसा लगा, डर भी लगा? थोड़ा बहुत, बड़ी गाड़ी है ना। थैंक गॉड भाई अच्छे ढंग से यहाँ तक ले आया, तो सीख गया यार, सीख गया अब तो। अब चल ठीक है फिर, चल ठीक है, ओके फिर मिलते हैं आराम पर, ठीक है फिर। तो अब हम लोग निकलते हैं मार्केट के लिए। तो चलो भाई यहाँ पर लगाई है बाइक। अभी बाइक में तेल भी नहीं है, मतलब बिल्कुल 1 डंडी बची हुई है। और उखीमठ यहाँ से अभी भी लगभग 10 किलोमीटर है और उखीमठ में भी पेट्रोल पंप नहीं है। उखीमठ से लगभग 6 किलोमीटर नीचे कुंड में पेट्रोल पंप है। अब मुझे नहीं पता है कि वहाँ तक हम जा पाएंगे। और अभी तो देखो 2 डंडी शो कर रहा है तो मतलब उखीमठ तक तो चले जाएंगे। अब नीचे देखो भाई वो वहाँ पर रहा पेट्रोल पंप, फटाफट चलता हूँ वहाँ। अभी मैं कुंड में गया था तेल भरवाने के लिए जो कि केदारनाथ वाले रूट पे है, और आजकल ना एक भी गाड़ियां नहीं चल रही, मतलब बहुत कम गाड़ियां चल रही हैं रूट पे, और अदर स्टेट की तो बिल्कुल भी नहीं। अब जल्दी बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे, आई थिंक 25 अप्रैल से खुल रहे हैं, उसके बाद तो गाड़ियां ही गाड़ियां चलती हैं, पूरे रास्ते पर जाम लगता है। बाकी मैं यहाँ पर रुका था थोड़ा सा टायर चेक करने के लिए, क्योंकि इसमें ना हवा कम है थोड़ा, तो इसमें हवा भी डाल देंगे। हवा कम क्या, बहुत ही कम है।
तो अभी 5 बज गए हैं और हम लोग तहसील में हैं उखीमठ में, और मुझे नहीं लगता आज फॉर्म जमा हो पाएगा क्योंकि 5 बज गए हैं, ऑफिस बंद हो गया है, तो अब कल आना पड़ेगा फिर से। अभी शाम के 6 बजने वाले हैं और हम लोग अभी घर को निकल रहे हैं। तो बीच में एक यहाँ पर रॉयल बेकर्स है, यहाँ पर फास्ट फूड अच्छा मिलता है, तो यहाँ से ना मोमो खाएंगे और उसके बाद घर को जाएंगे। अब रात तो पड़ ही जाएगी बीच रास्ते में, तो आराम आराम से ही चलते हैं। तो चलो भाई, हमारे गर्मा गर्म फ्राइड मोमो आ गए। अभी ठीक 7 बज रहे हैं और अब जाकर हम गांव में पहुंच रहे हैं भाई। और देखो पूरे गीले हो गए क्योंकि ना बाहर बारिश लग रही थी, तो बारिश में निकल गए क्योंकि रात भी हो गई थी। तो आज मैं तरसाली वाले घर में नहीं जाऊँगा, आज मैं यहीं पर हूँ। और बाहर तो देखो भाई इतनी तेज हवा चल रही है अभी। जा बैठे, चलो ठीक है, ओके। देखो भाई मेरे कपड़े कैसे हो रखे हैं, पूरी मिट्टी आ रखी है इन पे, देखो बुरे हाल हो रखे हैं जैकेट के। अभी मैं घर में आ गया हूँ और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, तो घर में आते ही देखो भाई यहाँ पर चाय मिल गई है, बाकी यहाँ पर अपना खाना बन रहा है अभी। अभी हमारा खाना हो गया है और बाहर बहुत तेज बारिश लग रही है। ऊपर देखो भाई हमारे किचन के ऊपर टिन लगी हुई है, भयंकर आवाज हो रही है। चाचू हाँ ना, मैं स्पाइडरमैन के थ्रू ना वहाँ पे चढ़ा। कहाँ पे? वहाँ पे वहाँ से ऊपर गया। हाँ। किसने बोला वहाँ जाने के लिए? मैं ऐसे कर रहा था, ऐसे ऊपर जाने पकड़ा, वहीं चला गया ना। मैं आज अगर टांग टूटेगी वहाँ। नहीं टूटती। ये देखो ये या अब नीचे कैसे आएगा, फंस गया यहीं पे, फंस गया। ये कहाँ से सीखा, ये कहाँ से सीखा? ये किसने सिखाया रिसु को? मैंने अब देखा। कहाँ देखा? देखो भाई रिसु ना ऐसा नहीं कि आज ही ऐसा कर रहा है, पता नहीं यहाँ से डेली जाता है और डेली इस पे लटक के नीचे छलांग लगाता है इधर। अब मत करना इसके बाद, ठीक है, इसके बाद मत करना। अब बाहर देखो भाई कैसी आवाजें हो रही हैं आसमान में, भयंकर वाली बिजली चमक रही है, तो इस वजह से ना हमारी यहाँ की लाइट भी चली गई है अभी। अब पता नहीं आएगी नहीं आएगी, तो फिलहाल इस वाले ब्लॉग को भी यहीं वेंट करते हैं। कुछ खास आज के ब्लॉग में था नहीं, मार्केट में था कुछ काम, तो वो भी आज हो नहीं पाया, तो बस यही है। अब इस वाले ब्लॉग को यहीं वेंट करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय।